मगर फिर वही बात, कितनी बार कहने खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। चलो लो थोड़ा ले लो। हम गुस्सा नहीं करेंगे अगर आप उनको यहाँ से भेज देंगे। प्लीज उनसे कहिए ना कि वो यहाँ से चली जाए। पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गए, हमें तो लगा था कि वो मर चुकी है, फिर जिंदा कैसे? देखो तुम उनको लेके परेशान मत हो, थोड़ा धीरज रखो, वो चली जाएंगी। लो थोड़ा खा लो। उनको इसलिए लेके आए हैं कि बच्चा सबका ख्याल रखो। जब से प्रतिगवा को देखे देखो कैसे उदास हो गए। प्रतिगवा को ना देखना भी नहीं है, मदद करना तो दूर की बात है। अम्मा ठीक कह रही हैं केसर, बच्चे पहले ही परेशान है, कुछ खा नहीं रहे। अगर तुमने प्रतिज्ञा का साथ दिया तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा इनका। घुसा दिमाग में कब तक ऐसा चलेगा ठाकुराई, और कब तक लोगों को बोलती रहो कि ये मत करो वो मत करो है? अरे सबके किए धरे में पानी फेरने वाली घर में आ गई है, समझो। ज्यादा देर तक हम कुछ छुपा नहीं पाएंगे। प्रतिज्ञा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं रहेगी यहाँ पे। अगर वो यहाँ रहेगी ना तो समझ लो सब नाश नाश। तुम जानती हो ये हम होने नहीं देंगे ना। थैंक यू यार, तुम हमारा साथ दी, हमारे साथ खड़ी रही, उनका सपोर्ट की, बात के लिए थैंक यू। वरना यार वो प्रतिज्ञा को यहाँ रखने के लिए ना बेवजह सब सुलझना पड़ता हमका। आपका साथ काहे नहीं देंगे हम, बताइए। आपकी अर्धांगिनी है हम, आप इसे पूरे होते हैं। और वैसे भी ये हमारा फर्ज है, और अपना फर्ज ना हम सपना में भी नहीं भूलेंगे कभी भी। हमेशा आपका साथ देंगे। वैसे हम सोच रहे थे कि हम दोनों को ना कहीं घूमने जाना चाहिए अकेले। क्या है कि आप अपना काम में बिजी रहते हैं और हम भी यहाँ बिजी रहते हैं, तो एक साथ भक्ति नहीं मिलता है। और वैसे भी जो पति पत्नी के बीच एकांत वाला सुख होता है ना, वो कब लेंगे हम? चलते हैं ना कहीं पर। अरे कहाँ खो गए आप? सोच रहे थे का कहाँ जाएंगे घूमने? वो सोच रहे हैं यार, वो कौन हमला किया होगा प्रतिज्ञा पे, मतलब कौन मारना चाहेगा वो काम, समझ में नहीं आ रहा। अभी भी प्रतिज्ञा में डूबे हुए हैं, अपनी मेहरारू की तो इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। पहली बार नहीं हुआ यार, पहले भी उनके ऊपर हमला हो ही चुका है, तो हम वहां पे थे, सब ठीक होएगा। बाकी कहां बिगाड़ी होगी वो किसी का। तुमका नींद आ रही, आराम से सो जाओ, चलो। गुड नाइट। का दरवाजा क्या खुला है? ये कहां चली गई? कहां जा सकती है यार? मैं फिर से उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, हैं?
अरे मतलब ये वक्त कमरा छोड़ के तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम यार? कहाँ का ढूंढ रहा हूँ तुमका, कितना घबराए गए थे हम। तुमका बोले है कि नहीं तुमका रेस्ट का जरूरत है, तुमको फिक्र नहीं अपनी, जाके कमरा में आराम करो। क्या करो यहाँ पे, जाओ। क्या सर आप हमारे लिए इतने परेशान हैं? कितने अच्छे हैं आप सर। ठीक है वो अपना तारीफ सुनने नहीं आए हैं, तुम जाके आराम करो कमरा में जाओ। सर एक बात बताइए, आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों होती है? क्यों होते हैं आप इतने परेशान? क्या लगा था आपको हमें कुछ हो गया? अगर कुछ हो जाता फिर क्या करते आप? फिर क्या करते, कुछ हो भी नहीं, फिर हम ऐसे बैठ के चांद देखते और क्या करते, और फिर जाके सो जाते बस। अच्छा हमारी चिंता आपको सोने देती? नहीं सोने देती, मतलब फिक्र और बढ़ जाती है हमारी। कहा कि तुम ये मतलब हमारी मेहमान हो ना तुम मेहमान हो तो फिर यार तो सवाल क्या करती हो हमसे हैं? और वैसे हमके बाप तो ये सर सर का लगा रखा है। कौन सा सर? नहीं मतलब काम साथ में काम नहीं करते हैं अभी, सर वर न बोलो तुम यार। तो फिर क्या बोला है? काहे नाम ने हमारा नाम से बुलाओ। कृष्णा जी। जी काहे लगाए दिए, जी का क्या जरूरत है हमको बताओ तुम? तो कुछ नहीं यार, तुम तो सोने से रही, हमका नींद आ रही है, जा रहे हैं। ठीक है देखो तुम, गुड नाइट। नहाए कुछ नहीं खाते। मुंह नहीं धोए अभी। अम्मा नहाए नहीं हो, मुंह नहीं धोया तो का ले तो लियो प्रसाद है, बाद में खा लेना। ऐसे भगवान का प्रसाद मना थोड़ी करते हैं। यार तुम तो यार ये घर का दिन बनाए दी यार, गजबे गाती हो तुम, बहुत सुंदर गाती हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब घर का जो वातावरण है एकदम पवित्र ऊर्जा से भर गवा, सुप्रभात आज लग रहा है हुआ है घर में, कमाल है, है? अम्मा ऐसी पूजा होती ना सुबह सुबह तो लगता है कि सारा दिन एकदम शानदार जाएगा, कमाल गाइए यार। प्रीति कर प्रसाद है बिठवा। Thank you.
अरे बाबूजी क्यों इतना परेशान हो रहे? कैसे नहीं परेशान होंगे यार, प्रतिज्ञा बच का गई, हम सबका जीना हराम कर दिया है उसने। भगवान जाने पता नहीं आगे क्या करने वाली है। जी बताए, जौन दुश्मन बच जाता है ना, सांप की तरह खतरनाक हो जाता है। तो ये पहले से नागिन की तरह फन फैलाए बैठी है। बेटा डसने का मौका ढूंढ रही है। सर यही डर है हमको कि मीरा और बबुआ के फेरे नहीं हुए हैं अभी तक। ये बात से प्रतिज्ञा को रास्ता मिल जाएगा हम सबकी जिंदगी तबाह करने का। कहे कि वो अभी तक कानूनन बबुआ की पत्नी है यार। मैं तुम अच्छी तरह जाना तू कि कानून की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अगर वो कानून कानून खेलना शुरू कर देगी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। बस इतनी सी बात। और जी याद है हमारे क्या कहा था हमसे कि बेटा और दामाद एक बराबर होता है? तो आपका ये बेटा कब काम आएगा? अगर प्रतिज्ञा कानून की खिलाड़ी है तो हम भी कानून से खेलेंगे। वो क्या है ना, कानून के खेल हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक काम करते हैं, प्रतिज्ञा जी और कृष्णा भैया का तलाक करा देते हैं। ऐसे कागजात बना के देंगे आपको कि ना ही उनका इस घर पे और ना ही परिवार वाले पे कोई कानूनी हक रहेगा। तब तो सब ठीक हो जाएगा ना, नागिन अपने आप घर छोड़ के चली जाएगी। मैं सही दिमाग भिड़ाया बेटा, तुम ऐसा कर दोगे ना तो प्रतिज्ञा ही घर से हट हो रही और बबुआ की जिंदगी से निकल जाएगी। तलाक के कागज ना तैयार करवाओ। अरे बेटा अभी फटाफट मीरा और बाबा का फेरा करवाने के चक्कर में है, खत्म हो जाएगी सारी समस्या। बेटा भाई करवा दो तुम। हाँ बाबा ना अपनी शादी तोड़वा पाएगा ना ही प्रतिज्ञा ये घर पे अपना हक जमा पाएगी। कागज जल्दी तैयार करवाओ। तुम तैयारी शुरू करो, बबुआ की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। तैयारी शुरू करो बस। लो ध्यान रहे, ये बात का पता मीरा के अलावा और किसी को नहीं चलना चाहिए। जिस दिन शादी होगी उस दिन मौके पे सबको पता चलेगा। उससे पहले नहीं। अरे क्या कर रही हो? अरे लाओ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आराम करो भाई। तुमको कितना बार बोले कि तुम मेहमान हो, हम अपने मेहमान से काम नहीं करवाते हैं। घर में तुमको जगह दी है थोड़ी सी, इसका ये मतलब नहीं कि काम धाम में घुस के तुम एकदम पैर जमा लोगी। और वैसे भी हमको शर्मिंदा मत करो यहाँ पर काम करके। हमारा मतलब है कि मेहमान हो ना तुम आराम करवाओ। कहाँ कहते हैं कृष्णा जी, सही बोल रहे ना आप? हाँ सही है, वो चलो मेरे साथ बाहर, ये रसोई संभालने खातिर बहुत है दोनों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो नैप कहे थे ना होटल के लिए, वो तैयार होने वाला है। अरे वाह। से यार कमाल है ना कि इंटरनेट, खुद ही सोचो कहाँ से कहाँ जोड़ दिया है। मतलब बिजनेस खाते कह रहे हैं एकदम ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है कि नहीं? बिल्कुल, सिर्फ कितने सारे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। घर बैठे बैठे लोग अपने बिजनेस को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, घर बैठे बैठे कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, कितने रास्ते खुल गए। और इसी तरीके से होटल को भी काफी फायदा होगा। तो है, दुकानदार घर बैठा है, ग्राहक घर बैठा फिर भी धंधा चल रहा है।
तो कह रहा है कि इसको अब भी यहीं पर ये क्या हो रहा है रे? प्रतिज्ञा जैसी विपत्ति को अपने घर में बिठा के रखी हो, समझ में आ रहा है कुछ? मांग कहाँ है सुनी है तुमरे? और मांग चटक होनी चाहिए, सिंदूर कहाँ है तुमरा? हम जा सिंदूर लगा क्या पहले। कृष्णा जी, अरे कृष्णा जी, कृष्णा जी आज हम ना जल्दबाजी में ना वो सिंदूर लगाना भूल गए, आप लगा देंगे का? ये देखिए ना हाथ में आटा लग गया है, तो प्रतिज्ञा जी मंदिर से वो सिंदूर का डिब्बा ले आइए ना। वैसे भी आपको मंदिर का तो सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ रखा है, तो मदद हो जाएगी थोड़ा। बहुत सट के बतिया रही थी बाबा से, एकदम सही जवाब दिया मीरा ने। सिंदूर लाएगी मांग भरी जाएगी मीरा की। एकदम सही।